कौन कब किसका और कितना अपना है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ शमशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। किसी ने माँ के कंधे पर सर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर न उठा ले। मेरी तकदीर में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर को लिखने का हक मेरी माँ को होता। बाजार में सब मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं या माँ नहीं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वो जिन्हें खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वो जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ो, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। जो अपनों के साथ सींग लड़ाने में लगे रहते हैं वो दुश्मन का शिकार हो जाते हैं। अपनों के साथ उलझकर दुश्मन को मौका न दो। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से न तरसे, फिर चाहे वो खुशियां हो, रिश्ते हो या फिर सुकून हो। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए। एक एक करके सब में चले जाना है, पीछे बस यादें रह जाती हैं, सिर्फ यादें। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हो, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हो। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ ना पहुंचाओ कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी सी है, न पहली बार खुद नहा पाता है न आखिरी बार खुद नहा पाता है। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले और तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वो छल है, जो मुश्किल से मिले वो सम्मान है, जो हृदय से मिले वो प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वो सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला वो जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा वो जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बात किया करो। न जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वो जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा है। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।